हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, मजे में होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूँ अरशद खान और वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज जिस वीडियो पे मैं रिएक्शन देने जा रहा हूँ, उसका नाम है जी कैदी नंबर 804 इज कॉलिंग यू, इमरान खान। इमरान खान वो जो के वर्ल्ड फेमस लीडर है, तो उनके ऊपर ये वीडियो है, बेसिकली ट्रिब्यूट वीडियो है। सलेमान एंड दाऊद की जानब से ये वीडियो है। बहुत जबरदस्त वीडियोस बनाते हैं, तो चले रिएक्शन देखते हैं इस वीडियो को और उसके बाद बात करते हैं। अगस्त 1947, ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। मेरे पाकिस्तानी हो, आपको किसी सूरत घरों में डर के बैठना नहीं चाहिए। जितना मैं कर सकता था मैंने किया, मैंने किसी पे एहसान नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि मेरी नौजवानों को, सबको बताओ कि हम हैं क्या, ये क्यों मुल्क बना था। जिस कौम के बनने के बाद सिर्फ दुनिया नारा था कि पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह। देखो, तुम्हारी जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है, सुना आपने? सबने सुना हो? देखो, तुम्हारी जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है। मेरा ये ईमान है कि मौत बेहतर है गुलामी से, इससे बेहतर है मर जाओ गुलामी। वही इकबाल का एक शेर है कि है जुर्मे ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजा, मुज़दली की सजा ही मौत। You do not let the fear of death come in the way of what you believe is your mission. मौत बिस्तर पे भी आ जाया करती है, लेकिन जो मैदानों में डट के रहते हैं उनको तारीख जरा जिंदा रखा करती है। अगर इन चोरों की, इन डाकों के नीचे अगर जिंदगी गुजारनी पड़े ना, इनकी गुलामी करनी पड़े, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ इससे बेहतर है कि मुझे ऊपर ले जाए। मैं गुलाम मुल्क में पैदा जरूर हुआ, लेकिन मेरे दिल ने गुलामी न कभी कबूल की है और न कभी करेगा। जब तक आपका कप्तान खौफजदा नहीं, तो आपको किसी से डर है? गुलाम सिर्फ हम अपने अल्लाह के, बेशक, और उसके बाद उसके हबीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम। बाकी हम किसी को, हम किसी के सामने नहीं झुकते, नहीं झुकते, क्योंकि हमने अल्लाह से वादा किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह। कामयाब वो होता है जो बड़ी सोच, बड़ी ख्वाब रखता है और उसके बाद हार नहीं मानता। अपने से वादा करें कि या मैं कामयाब होगा या मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैंने हार नहीं माननी। ये जिंदगी में जब आप करेंगे, कोई किसी को शिकस्त नहीं दे सकता। जब वो ये फैसला कर लेता है कि या कामयाब होऊंगा या मैं मर जाऊंगा, जेलों में डालो, जेलों से निकल के फिर सर पर ले आएंगे। हार नहीं मानते, उनको कोई हरा नहीं सकता। इमरान खान ने टक्कर बड़ी खूब दी है, यानी वो अकेला निजाम से लड़ा है, माफिया से लड़ा है, मीडिया से लड़ा है, बदतरीन प्रोपेगेंडा का उसने मुकाबला किया। मुझे अपनी जान से ज्यादा मुझे पाकिस्तान की आजादी की फिक्र है। मेरा ईमान है कि जब तक अल्लाह फैसला नहीं करता, इंसान दुनिया से नहीं जाता। क्योंकि मेरा अल्लाह बेईमान है, मैं समझता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है। मैं मानता हूँ कि जिंदगी और मौत उसके हाथ में है। मैं मानता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई मुझे जलील नहीं कर सकता। हमारा जीना मरना इसके मुल्क में, और अब मैं आखिरी दम तक अपने मुल्क के लिए लड़ूंगा। मैं इन सब का मुकाबला करूंगा। Has anyone thought that what happens when there is a blood bath? And we will fight. We will fight. It will have consequences far beyond us. It will have consequences for the world. Because I'm warning you, it's not a threat. It's a fear, worry. But where are we headed?
कभी अर्श पर कभी फर्श पर कभी उनके दर कभी दर बदर हमें आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया कभी रास्तों में तन्हा कभी हूँ वरूद सहरा मैं जुनून का हम सब वाह तारिक जमील साहब की आवाज कुरान में कहता है कि मैं तुम्हारे ईमान को बार बार मुश्किलों से आजमाऊंगा क्यों वो अल्लाह हमें मुश्किलें देता है हमारी बेहतरी के लिए मैं आज तक सफर में हूँ इस दिमाग पर उतरेंगी मंजिलें मेरे कदमों की जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में इज्जत जन्नत अल्लाह के हाथ में रिस्क अल्लाह के हाथ में तो फिर डर किस चीज का ऐसा हीरा आदमी ऐसा लीडर कहां मिलता है अल्लाह ताला ने पाकिस्तान पे तोहफा दिया हजरत उमर मदीना की रियासत के अंदर हजरत उमर जैसे एक अजीम लीडर को आम आदमी खड़ा होकर पूछता है कि किधर से आप ले गए पैसा आज जो अपने कपड़े पहने हुए लीडर जवाब देता हजरत उमर ने यह नहीं कहा कि तुम्हारी मिजाल है मेरे से पूछो हजरत उमर ने जवाब दिया लीडर जवाब देता ज्ञान है आप पाकिस्तान का शहरी पाकिस्तान का शहरी पाकिस्तान का मालिक पाकिस्तान का मालिक हूँ ये जमीन ये लोग मेरे हैं इसके हुक्मरान मेरे मुकर्रर करदा और मुझे जवाब दे मैं अहद करता हूँ कि मैं हर उस शख्स या इदारा वा अंदरूनी या बैरूनी जो इस मुल्क के खिलाफ काम करेगा या इसके कानून को तोड़ेगा उसके खिलाफ बिला बिरादरी जबान और मजहब की तमीज के अपनी पूरी कुव्वत इस्तेमाल करूंगा क्योंकि मैं पाकिस्तान का शहरी इसका मालिक इसकी बका का हतमी जामिन हूँ पाकिस्तान पाइंदाबाद तेरा मेरा रिश्ता क्या वाह जी वाह बहुत ही आला बहुत ही जबरदस्त वीडियो थी जी कैदी नंबर 804 कॉलिंग यू इमरान खान ट्रिब्यूट वीडियो थी बेसिकली इमरान खान के लिए इमरान खान तो पूरी दुनिया में वर्ल्ड फेमस हैं कहीं भी चले जाए इमरान खान को जरूर पहचाना जाता है कि इमरान खान पाकिस्तान इमरान खान इमरान खान के नाम से पाकिस्तान और पाकिस्तान के नाम से इमरान खान सुलेमान दाऊद की ये वीडियो बहुत जबरदस्त वीडियो बनाते हैं तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी बहुत जज्बाती वीडियो थी आपको कैसी लगी रिएक्शन आपको कैसा पसंद आया या नहीं पसंद आया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि तमाम आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़